कोरोना वायरस अपनी चपेट में कई बड़े देशों को ले चुका है। चीन के बाद साउथ कोरिया, इटली और ईरान में हालात भयावह हो गए हैं। तीनों देशों में मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। भारत में अभी तक कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन मरीजों की तादाद में इजाफा होना जारी है। देश भर में अब तक कोरोना के 30 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं। चीन, साउथ कोरिया, इटली और ईरान के बाद अब भारत में कोरोना वायरस को लेकर चिंता गहरी हो गई है। इटली और ईरान में अब तक 107 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच गई है। दो नए मामलों में एक शख्स गाजियाबाद का है जो हाल ही में ईरान से लौटा है। संक्रमण का दूसरा मामला पेटीएम के एक कर्मचारी से जुड़ा है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है, लेकिन खतरा बढ़ने पर सिक्किम ने इनर लाइन परमिट जारी करना रद्द कर दिया है। अब वहां सिर्फ घरेलू सैलानी हैं। वैश्विक चिंता के मद्देनजर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली समिट टल गई है और प्रधानमंत्री मोदी का बेल्जियम दौरा भी रद्द हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत में आए 495 ईरानी सैलानी लापता हैं। ईरानी एम्बेसी से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सभी ऑफिसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है और दिल्ली में 5वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बारे में हमने एडवाइजरी जारी की है, हर स्कूल में किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने अभी निर्णय लिया है कि कल से 5वीं तक के सारे स्कूल बंद किए जाएंगे। 31 मार्च तक 5वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी नगर निगम, सभी के स्कूल्स 5वीं क्लास तक के बंद रहेंगे। ये डिसीजन लिया है और बाकी को अवेयरनेस के लिए और प्रिकॉशंस के लिए एडवाइजेस जारी की गई हैं, क्योंकि बाकी के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें अवेयर करना हमारा सबसे प्राइम कंसर्न है। मथुरा के इस्कॉन मंदिर प्रबंधन ने विदेशी श्रद्धालुओं के आने पर अगले 2 महीने तक के लिए पाबंदी लगा दी है। वहीं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर स्क्रीनिंग के लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।